अरे मिलो ना तुम तो हमें घबराए, अरे मिलो तो चुराए, हमें क्या हो गया है। बहुत अच्छे सामने लॉकडाउन चल रहा है तो बोली अगर नहीं लाओगे तो हम फांसी लगा के मर देंगे। अरे भैया यो ना करे हो, बोले फांसी लगा के मर जाओगी। तो बस कहने का मतलब यही है क्या कि कह के राजा दशरथ से अपने वचन पूर्ण कराने के लिए क्या कह रही है। ये कलयुग की कह के है दादाजी। ये क्या नाम दादाजी का? ये दादाजी बैठे जो ना आवाज निकालते ना वो। हाँ राकेश भैया, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, कलयुग की अगर कह के ही होती तो वो अपने पति से यानी दादा दशरथ से बात कैसे मनवाती? सुनेगा कलयुग की कह के ही कहती कि राजा दशरथ अगर मेरे मेरा वचन पूरा नहीं करोगे तो ऐसा ऐसा ना हो के साजन सारे मोहल्ले में फैले हवा।
रघुकुल की ये बहु बहुरिया कहे कि अंतिम प्रिया सजन सलपास चाहिए। अगर भजन पूरा नहीं करो सलपास लाके दे दो। अरे रघुकुल की वो बहु बहुरिया अरे कहे कि अंतिम प्रिया सजन सलपास चाहिए। सलपास चाहिए राम बनवास चाहिए सजन सलपास चाहिए राम बनवास चाहिए। ओ रघुकुल की वो बहु बहुरिया सजन सलपास चाहिए राम बनवास चाहिए। अच्छा लगा चलिए इसे अच्छा लगना चाहिए। हम आप ही के लिए आए हैं, आप ही लोग को सुना के जाएंगे, आप जितनी देर रुकेंगे हम सुना के जाएंगे। सही बात है। और ये बहुत ही बढ़िया पुनः एक चक्र सुना है अभी आप लोगों ने सचदेवा शरारती जी से। बार बार इशारा कर रहे हैं कि 10 बजे तक भी गाना गवाया जाए तो कलाकार अपनी समय सीमा में नहीं रह सकता। सचदेवा जी आप कलाकार होंगे इसलिए आपने कलाकारों की बात कह दी, लेकिन मैं तो कलाकार के चरणों की धूल भी नहीं हूँ, सीख रही हूँ। समय सीमा में बंधना अभी मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन प्रयास जरूर करती हूँ। बार बार आप कहते हैं ये कर दिया वो कर दिया, ये शोभा नहीं देता वास्तव में। आपने कहा है कि बहन जी ने कहा है कि नए गाने से कीर्तन खराब होता है, पहले सुन लिया करें। सचदेवा जी बिल्कुल नाम को सार्थक ना करें, जैसा कि शरारती आपका नाम है, पहले सुन लिया करें कि मैंने कहा क्या है और आपने समझा क्या है। बिल्कुल दादाजी, मैंने कहा कि कुछ फूहड़ गाने ऐसे चल रहे हैं कि पांडे जी का बेटा हूँ, कैसे है ये गाने? यादव जी को सैया बना लीजिए, यादव जी को भैया ना बना लीजिए, सैया ही बना लीजिए। ये गाना कीर्तन को खराब कर रहे हैं। बाकी आपको खराब लगा? भाई आप कलाकार हैं, अपने स्वतंत्र गीत गाने के लिए स्वतंत्र हैं, जो जैसा गा चाहे वैसा गा लें। लेकिन मेरा प्रयास रहता है और बताओ सुबह का वक्त है राम राम जपना चाहिए, लेकिन ये वनवास करा रहे हैं, मुझे सलफास चाहिए। अरे सुबह सुबह राम रस पियो भैया, इसमें उद्धार होना है, सलफास चाहिए। कोई लाके दे दे कि लो सलफास ले लीजिए। अगर सोच भी निकाली है भैया तुमने कलयुग से तो कहां निकाले, मुझे सलफास चाहिए। सलफास से थोड़े राम वनवास हुआ। भोले साथिया हमको भी रंग ले इसी
सर्दी में माताएं बहनें अपना समय नष्ट नहीं करते। आप कह रहे हैं हम समझ में आ रहा है, जैसे ज्ञानानंद आप ही हैं, आप समझा रहे हैं। बाजार तो खुल ले दो, बाजार लाकर ही दे दोगे क्या? ये कह रहे हैं राम वनवास चाहिए, बड़े समय के बाद तो वो समय आया कि राम का मंदिर बन रहा है। आपने कलयुग में कहा है तो कलयुग में राम मंदिर बन रहा है, ये पुनः फिर वनवास दे रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम टेंट में रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वो मंदिर में आ नहीं पाए। और देखिए कीर्तन कितना ऊंचा जा रहा है कि हमें राम वनवास चाहिए वरना सर्वास चाहिए। सर्वास खा खा कर वनवास भेज रहे हैं। अच्छे विचार है। आइए सुनिए सुनिए तो देखिए राजा दशरथ थे जो उस जमाने के, वो अपने वचन में बंधे थे और राम वनवास एक निश्चित कार्य के लिए होना था। लेकिन जब इस युग के राजा से कहा कि हमें सल्फास चाहिए तो देखिए उसके पति ने क्या उत्तर दिया। ओ मेरी प्यारी पत्नी, बनना चाहती हैं, हमें सल्फास चाहिए वरना राम वनवास चाहिए। बड़े धर्म कर्म से राम जैसा लड़का होता है उनको वनवास चाहिए। धर्म संकट में डाल रहे हैं भाई साहब। लेकिन देखिए जो दशरथ की ओर से उत्तर दे रहे हैं वो अपनी पत्नी को समझा भी रहे हैं और देखिए उसकी मांग को भी पूरा कर रहे हैं। जाता है जब आज एक घर का वर्ताव दूसरा घर देखेगा तो वो वैसा ही चलेगा। ओ मेरी प्यारी पत्नी की घर को चलाना सही ढंग में, सही ढंग में। तुम मांग भी मांगो ऐसी, राम वनवास नहीं सल्फास, किसी के
के रंग में बदल गया, क्योंकि उस जमाने में जब वनवास मांगा था तो देखा हुआ गया क्या बेटे, दशरथ मर गए, केकई का सिंदूर पुछ गया। अरे द्वार चाहिए ए? अरे सलवास खाकर क्या मिलेगा आजा। कि क्यों देती हो जान मुक्त में खाकर के सलवास हमें, हर द्वार चाहिए ए? सुघर परिवार चाहिए ए? मतलब की दुनियादारी है तो नाते रिश्तेदारी हमें, नाते रिश्तेदार सुघर परिवार चाहिए हमें, हर द्वार सुंदर से भी सुंदर कट पीस का हम बच्चों की तरफ से प्रयास, क्योंकि सुबह आपको सलफास चाहिए, क्योंकि अब दुकान ही नहीं खुली है।